दोस्तों, सिर्फ यह एक कप चाय बनाकर पीना शुरू करें। किसी भी प्रकार का दर्द हो शरीर में, ऐंठन होती हो या फिर शरीर में अकड़न रहता हो, मांसपेशियों में दर्द रहता हो, नसों में खिंचाहट होती है, एक जगह पर ज़्यादा देर बैठ जाते हैं तो नसें खींचती हैं, हाथ पैर में सुन्नपन होने लग जाता है, मन चिड़चिड़ा जैसा होने लग जाता है या थकावट बनी रहती है, दांत आपके कमज़ोर होते जा रहे हैं, नाखून सफ़ेद होकर झड़ते जा रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलने लग जाती हैं, नसों में सुन्नपन और घुटने से कटकट की आवाज़ आती है, घुटने में दर्द होने लग जाता है, घुटने की चिकनाई ख़त्म हो रही हो, सिर्फ यह एक कप जो आज मैं बता रही हूँ, यह चाय को बनाकर लेना शुरू करें, आपके शरीर में सारी ही समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। शरीर में जब यह सारी तकलीफें शुरू होती हैं तो इनके पीछे कारण होता है कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों का कमी हो जाना। ये जरूरी पोषक तत्व अगर शरीर में कम हो जाते हैं तो सिर्फ यह एक पत्ती जिसकी मदद से आज चाय बनाएंगे यह सारी ही कमियों को पूरा कर देगा। दोस्तों, यह एक पत्ती हमारे घर में बड़े आसानी से उपलब्ध होता है और इसे बनाकर पीना भी बड़ा ही आसान है। इस चाय का प्रयोग आज से नहीं, यह पुराने ज़माने से हमारे दादी माँ नानी माँ के बताए हुए नुस्खे हैं और इसे अगर आप अपनाना शुरू कर देंगे तो आपको यह दवाइयों पर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे शरीर के दर्द और बीमारियों के लिए यह रामबाण नुस्खा है। इसे बनाना भी बड़ा आसान है, खुद भी लीजिए, बच्चों को भी दीजिए और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दीजिए। इसे लेने से आप इस बदलते हुए मौसम में, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, आपको सारे ही रोगों और तकलीफ़ों से दूर रखेगा। साथ ही अगर सर्दी खांसी जुकाम लग जाती है, पेट में ऐंठन होता है, जी मिचलाता है, पेट में कीड़े हो गए हैं या आपको कब्ज की समस्या रहती है, इस सारी ही तकलीफ़ों से आपको छुटकारा दिला देगा। इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा और आप देखेंगे कि आपके शरीर मजबूत हो गए हैं, हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो गई हैं, हड्डियों में अगर भुरभुरे हो रहे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है, पोटेशियम की कमी हो गई है, तो यह उसको भी दूर कर देगा। साथ में यूरिक एसिड की समस्या हो गई है, यानी अगर गाउट है या फिर आपके जोर में गांठ जैसे बनते जा रहे हैं तो उसको भी यह ठीक कर देगा। डायबिटीज की समस्या हो या ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता हो, वहाँ भी आपको यह काम आने वाला है। इस सारी बीमारियों को आपसे हमेशा के लिए दूर करेगा। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के ही जरूरी जानकारी के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और ये लिखकर अवश्य बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस जरूरी रेमेडी को बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए सबसे पहला जो पत्ती लेनी है दोस्तों, वह बहुत आसानी से मिल जाने वाली पत्ती पुदीने की पत्ती है। पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं, यह कमाल की औषधि होती है। यह पेट में जलन, अपच, अफारे, डकार, उल्टी, मतली का आना, कीड़े हो जाना, पेट में कब्ज रहना, खाना नहीं पचना, सारी ही समस्याओं को दूर करने के साथ साथ अगर आपके नसों में खिंचाहट होती हैं, माइग्रेन का दर्द रहता है, यानी जिसे हम अधकपाड़ी बोलते हैं, सिर में दर्द बना रहता है, या किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, नसें खींचती हों, सोकर उठने के बाद हाथ पैर मांसपेशियों में अकड़न लगती हो, थकावट लगती हो, सभी को दूर करता है। इसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम अगर आप इसे ले लेंगे तो आपके शरीर में यह 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम पूरा कर देगा। दोस्तों, यह मैग्नीशियम इसमें होता है, जो एक बहुत ही ज़रूरी तत्व होता है हमारे लिए, बहुत ही ज़रूरी मिनरल है, जिसकी कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, नसों में कमजोरी होती है, इसको भी दूर करता है। और यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे हमारे शरीर में बार बार बीमारियाँ नहीं बनती हैं, इम्यून सिस्टम को बना के रखता है।
तो और भी इसके कई फायदे हैं, चलिए जल्दी से जानते हैं रेसिपी बनाने की विधि। हमने यहाँ पर एक मुट्ठी पत्ती ले ली है, आप इस पत्तियों को अलग कर लें, पुदीने के डंठल को हटा के इसे हम दरदरा कूट लेंगे। दोस्तों दरदरा कूटने के बाद हम एक और सामग्री लेने वाले हैं, वह दर्द को दूर कर देगी, वह है अदरक। अदरक के फायदे हम सभी जानते हैं, यह दर्द को दूर करने के साथ साथ पाचन शक्ति को बढ़ा देती है और किसी प्रकार के भी इन्फ्लामेशन को दूर करती है। दोस्तों यह आज का नुस्खा आपके शरीर में अगर इन्फ्लामेशन है उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद है। हमने यहाँ पे आधे इंच का अदरक लिया है और इसे हमने कूच लिया है। अब इसे दोनों को ही हम एक बर्तन में डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। मैं यह जो बना रही हूँ आज की चाय रेमेडी, यह 2 व्यक्तियों के लिए बना रही हूँ, इसके हिसाब से आप ज़्यादा और कम सामग्री कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम डालने वाले हैं एक और पावरफुल औषधि, वह है हल्दी। हल्दी के फायदे हम सभी को पता है, हल्दी दर्द को दूर करती है, इन्फ्लामेशन को दूर करती है और शरीर में कई सारे फायदे देती हैं। दोस्तों हल्दी की अगर बात की जाए तो ये अनेकों ही फायदे से भरपूर होती हैं, गठिये के दर्द में बड़े ही फायदे की होती हैं। तो हमने यहाँ पर हल्दी लिया है छोटे चम्मच का तिहाई हिस्सा, हल्दी को इसमें मिला देना है। कच्ची हल्दी हो तो वो भी आप ले सकते हैं, आधे इंच की। कच्ची हल्दी नहीं है तो घर में ही हल्दी की गांठ ले आइए, पता है ना बाजार में कितनी मिलावट होती है मसालों में, तो ये आपको काम नहीं करेंगी। घर में ही गांठ लाएं हल्दी की सूखी हुई और इसे कूटकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर ले। अब चलिए अब बात करते हैं इसमें अगली सामग्री क्या डालेंगे, वो डालेंगे हम गोल मिर्च। गोल मिर्च हमने यहाँ पर 4 गोल मिर्च को कूट कर इसका पाउडर डाल दिया है। दोस्तों गोल मिर्च जरूर से डालिएगा तभी यह आपको फायदा करेगा, और जितने भी इसमें औषधि हैं मिनरल्स हैं तभी आपके शरीर में यह लगने वाले हैं जब आप इसमें गोल मिर्च डालेंगे। यह एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और शरीर के तमाम इन्फेक्शंस को दूर। दोस्तों इसमें एक और सामग्री मिलाएंगे, वो मिलाएंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक हम 1 चुटकी ही मिलाएंगे यानी 1 ग्राम के बराबर। ये भी बहुत फायदे की होती है, दर्द को दूर करने में मदद करती है, तो इसीलिए सेंधा नमक यहाँ जरूर से डालिए, स्वाद को भी बढ़ाएगा और शरीर को फायदा भी देगा और खासकर बदलते मौसम में आपके शरीर को मजबूती देता है जिससे आप बीमार नहीं पड़ते हैं। दोस्तों अब इसे क्या करेंगे, हम इन सारी ही सामग्रियों को ले जाकर हम आग पे रखेंगे, चूल्हे पे डाल देंगे और बिल्कुल ही धीमे आंच पर इसे हम लगभग 3 मिनट तक पका लेंगे। दोस्तों यह पकने में 3 मिनट का वक्त आपको लग जाएगा। अच्छे से जब यह पक जाता है तब तक चलिए एक और सामग्री इसमें मिलाने वाले हैं, वह इसके जो लाभ है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, कौन सा ऐसा सामग्री है जो घुटने की चिकनाई को बनाने में भी मदद करेगी, पेट पर अगर मोटापा है उसको दूर करेगी, शरीर में ताकत भर देगी, कैल्शियम की कमी को दूर करेगी, पाचन शक्ति बढ़ाएगी, वह है सब्जा का बीज, जिसे हम स्वीट बेसिल्स भी बोलते हैं। सब्जा का बीज का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए, आइए जानते हैं इसका प्रयोग किस तरीके से हमें करना चाहिए। हमने यहाँ पे सब्जा का बीज लिया है, बहुत सारे फायदे हैं इस सब्जी के बीज में। आज से ही खाना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आपको गठिये का दर्द या जोड़ों का दर्द नहीं सताएगा, घुटने का दर्द नहीं सताएगा, पाचन संबंधित समस्या शरीर में कभी नहीं आएगी। हमने यहाँ पर एक ग्लास ले लेना है, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। अब इसमें हम मिला देंगे सब्जा का बीज। दोस्तों हमने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच से सब्जा का बीज डाल देना है, यह 2 व्यक्तियों के लिए काफ़ी होता है। केवल 5 मिनट में ही यह फूलकर बिल्कुल 1/2 कप के बराबर हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है यह बीज और थोड़ा सा चिकना जैसा हो जाता है। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और तब तक आपके जो हमने बनाया है काढ़े को, इस चाय को, यह 3 मिनट हो चुका है तो इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गुनगुना कर लेंगे। खौलता हुआ में नहीं लेनी है, खौलते हुए जो चाय है वो नुकसानदायक होती हैं, तो हमें इसे हल्का गुनगुना यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होने तक इसे हल्का ठंडा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों चलिए आपकी रेमेडी तैयार है, इसे लेंगे कैसे,
तो हम एक कप ले लेंगे, उसमें डाल देंगे यह जो हमने चाय बनाई है। इसमें और एक दो चीज़ें डालने वाले हैं जो इसके फायदे को और बढ़ाएगा, तो देखते रहिए। अब देखें, अब इसमें हमने छान कर यह रेमेडी को निकाल लिया है चाय को, और इसमें देखिए सब्जा का बीज जो हमने भिगोया था, 5 मिनट हो गए हैं तो ये भी अच्छे से फूल गया है। अब हम इससे 2 चम्मच बीज को निकाल कर और इसमें मिला देंगे, और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस। दोस्तों नींबू वैसे तो खट्टा होता है, लेकिन शरीर में जाने के बाद यह अल्कलाइन हो जाता है, जिससे शरीर के सारे तकलीफों को दूर करता है। तो आपको इसको मिला देना है। नींबू अगर सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप कर दें। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं शहद। शहद शुगर फ्री भी आता है, तो डायबिटीज है तो शुगर फ्री शहद का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे नहीं लें। इसके जगह पर आप धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत फायदे की है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसे आपको रेमेडी को अब कैसे लेना है। दोस्तों इसे आप खाना खाने के 10 मिनट के बाद ले लें। सुबह ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, उसे 10 मिनट बाद इसे ले सकते हैं। इसे आपके शरीर में पाचन अच्छे से होगी और देखेंगे कि थकावट भी दूर हो गई। शाम के वक्त भी आप इसे नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं। 2 वक्त दिन में इसे लिया जा सकता है। आप इसे बदलते हुए मौसम में, बारिश के मौसम में या किसी मौसम में भी बेझिझक ले सकते हैं। या बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ से बनी हुई चाय है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जो आप ग्रीन टी पीते हैं एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ग्रीन टी बनकर तैयार हो गया है। एक बार इसे ज़रूर से अपनाइए और लेना शुरू करिए। गजब का फायदा पहले बार में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।